फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे 100 एम्पियर 415 वोल्ट एसी फ्यूज स्विच यूनिट के बारे में। ये हैवेल्स कंपनी का फ्यूज स्विच यूनिट है। फ्रेंड्स, इसको इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 415 वोल्ट है और ये 100 एम्पियर के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये फ्यूज स्विच यूनिट के अंदर किस तरह से कनेक्शन होंगे और क्या इसका डायग्राम मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो साइड में लगा हुआ है, ये चेंजवर्स लीवर है जिसकी मदद से हम इस स्विच यूनिट को ऑपरेट करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर का डायग्राम हम दिखा रहे हैं आपको, अंदर किस तरह से इसका डायग्राम है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें 100 एम्पियर के तीन फ्यूज लगे हुए हैं। ये है फ्रेंड्स, 100 एम्पियर के फ्यूज लगे हुए हैं, 1, 2, 3। फ्रेंड्स, ये जो नीचे आप टर्मिनल देख रहे हैं, ये तीनों इनपुट टर्मिनल है। ये इनपुट टर्मिनल है 415 वोल्ट के। इधर ये न्यूट्रल है, ये आर फेज मान लीजिए हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज हो गया। इसमें आप कोई भी लगा सकते हैं फेज। ये इनपुट हो गया और इसी तरह से ये आउटपुट हो गया, आर वाई बी और ये न्यूट्रल। फ्रेंड्स, आप किसी को किधर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए इधर आर लगा हुआ है, इसको इसमें आर लगाए, इसको वाई मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये आउटपुट टर्मिनल हो गया। और इसको इधर भी अगर ऊपर आर दे रहे हैं तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक शॉर्टिंग लगी हुई ये पत्ती है, ये न्यूट्रल के लिए है। फ्रेंड्स, ये इनपुट टर्मिनल हो गया, ये आउटपुट हो गया। फ्रेंड्स, एक बार और बता देते हैं, ये इनपुट टर्मिनल हो गया, पहला इनपुट टर्मिनल, दूसरा इनपुट टर्मिनल, तीसरा इनपुट टर्मिनल। ये इस फ्यूज के द्वारा होके यहाँ पर जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, तीसरा टर्मिनल। और ये न्यूट्रल पे ये डायरेक्ट एक कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, ये डायरेक्ट है। इससे आप थ्री फेज मोटर को सप्लाई दे सकते हैं या किसी भी सर्किट को या कहीं सप्लाई दे रहे हैं उसको ऑन ऑफ इस लीवर की मदद से आप कर लेंगे, इससे ऑन या ऑफ कर लेंगे। ये आपका इनपुट, ये इनपुट साइड हो गया और ये आउटपुट साइड हो गया। और आप चाहें तो इसको ऊपर इनपुट साइड बना लीजिए और इसको नीचे आउटपुट साइड बना लीजिए। फ्रेंड्स, जब इस हम फ्यूज स्विच यूनिट को क्लोज करेंगे इस लीवर की मदद से, तो ये पहले टर्मिनल, ये जो जहाँ पर इनपुट देंगे वो यहाँ पर इनपुट मिलेगा, पहला वाला ऊपर पहले पे मिलेगा, दूसरे वाला इनपुट जो जो वोल्टेज होगा ये यहाँ पर दूसरे वाले पे मिलेगा, और ये तीसरा वाला जो ये तीसरा इनपुट है वो यहाँ पर तीसरा आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये पहला, दूसरा, तीसरा जो भी सप्लाई देंगे इनपुट पर देंगे वो आउटपुट पर पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ पर हमें आउटपुट सप्लाई मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर इन फ्यूज़ में कोई दिक्कत आती है तो हम इसको सप्लाई को बंद करके, इसका इनपुट को सप्लाई ऑफ करके, तब इस फ्यूज़ को यहाँ पर इन स्क्रूज की मदद से निकाल के दूसरे फ्यूज़ को हम लगा देंगे।